नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली वालों को लॉकडाउन से मिली थोड़ी और राहत। सीएम केजरीवाल ने जारी की अनलॉक 3 की नई गाइडलाइंस। सोमवार से 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं रेस्टोरेंट। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे, मगर श्रद्धालुओं के आने की इजाजत नहीं। दिल्ली में ऑड इवन सिस्टम भी हुआ खत्म। सोमवार से रोज खुलेंगी मॉल और बाजार की सभी दुकानें। वीकली मार्केट भी होंगी शुरू। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेंगी दुकानों की टाइमिंग। अनलॉक 3 में स्कूल, कॉलेज, स्पा, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल जैसी जगह अभी भी बंद। एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम अभी रहेंगे बंद। किसी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं। बैंकेट हॉल्स में शादियों पर पाबंदी बरकरार। पब्लिक प्लेस में शादियों की नहीं मिली अनुमति। घर पर या कोर्ट में 20 लोगों की उपस्थिति में ही करनी होगी शादी। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। दिल्ली में शनिवार से ज्यादा आए कोरोना पॉजिटिव केस। बीते 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 255 पॉजिटिव मामले। 23 लोगों की गई जान, 376 मरीज हुए ठीक। अब राजधानी में एक्टिव केस 3,466। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान पर दिया जोर। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अलग से खोला जा रहा है विशेष टीकाकरण केंद्र। सरकारी शिक्षकों और उनके परिजन यहां बिना रजिस्ट्रेशन के लगवा सकेंगे वैक्सीन। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई प्रभावित। टैंकर का पानी लेने के लिए उमड़ी भीड़। यमुना के पानी में शैवाल अधिक होने की वजह से वजीराबाद और चंद्रावल जल संशोधन संयंत्र से पानी आपूर्ति हुई कम। 2 दिन तक रह सकती है पानी की किल्लत। दिल्ली पुलिस ने खतरनाक सेंट्रो गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हर 15 मिनट देते थे वारदात को अंजाम। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल में बनाई थी छिपने की खुफिया जगह। दिल्ली पुलिस को कई मामलों में थी गिरोह की तलाश। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पीईटी पीएमटी परीक्षा की तारीख घोषित। 28 जून को होगी परीक्षा। दिल्ली पुलिस ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी जानकारी। एसएससी ने सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 5,846 पदों पर निकाली थी वैकेंसी। दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान। न्यूनतम तापमान में भी आई कमी। तेज हवाओं के साथ एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को मानसून आने की संभावना। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।